नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़, आपकी आवाज़, और मैं हूं राजवीर सिंह। राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संघ की बिजनौर जिला कार्यकारिणी में इस समय सियासी हलचल मची हुई है। जिलाध्यक्ष पद को लेकर नजीबाबाद की ग्राम पंचायत गढ़वाला के ग्राम प्रधान प्रशांत चौधरी को 21 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबी पांडे के लखनऊ स्थित आवास पर प्रदेश अध्यक्ष के पांडे द्वारा जिला बिजनौर का जिलाध्यक्ष प्रमाण पत्र देते हुए नियुक्त किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संघ के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश कुमार शर्मा के लेटर पैड पर एक आदेश भी आजकल तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय महासचिव सुरेश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2022 को जारी पत्र द्वारा घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पांडे को संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया जाता है और दिनांक 25 मार्च 2022 के उपरांत उनके द्वारा किए गए सभी मनोनयन को अवैध ठहराया जाता है। तो वहीं 4 सितंबर 2022 को जारी अपने पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संघ के पांडे ने जनपद बिजनौर के समस्त सम्मानित ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए लिखा है कि पूर्व में चयनित जनपद बिजनौर की समस्त कार्यकारिणी को अनुशासनहीनता और संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण भंग किया जाता है। प्रधान संघ के हित में प्रदेश कोषाध्यक्ष अजीत सिंह, प्रदेश महासचिव तपराज सिंह देशवाल, दिनेश चंद्र मिश्रा आदि पदाधिकारियों की संस्तुति पर प्रशांत चौधरी को बिजनौर कार्यकारिणी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और ये मनोनयन आज से ही लागू होगा। उन्होंने लिखा है कि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रशांत चौधरी से अपेक्षा की जाती है कि वे शीघ्र ही अपनी देखरेख में जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन कर शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट भेजेंगे और प्रशांत चौधरी से सदस्यता अभियान में तेजी लाने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही पूर्व कार्यकारिणी में शामिल जिला प्रभारी सुभाष कुमार और जिला संयोजक हेमंत सिंह अपने पद पर बने रहेंगे।